मंगलवार न्याय पंचायत चंदापुर और न्याय पंचायत मझरा की संकुल शिक्षक की मासिक बैठक कंपोजिट विद्यालय अनुभूता तथा कंपोजिट विद्यालय कोडर में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत एआरपी धीरेन्द्र सिंह तथा गिरीश चंद्र पांडे द्वारा मां सरस्वती के माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन में हुई। बैठक की अध्यक्षता कर्मशः सुधाकर मिश्रा एवं राम भवन प्रसाद ने की। विद्यालय की बालिकाओं ने नृत्य के द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप कुमार सिंह और चंद्रभान मौर्य ने किया। बैठक में एक लंबे समय के पश्चात विद्यालय खुलने पर तथा कोविड की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे प्रयासों पर एवं विभिन्न समस्याओं जिनका सामना शिक्षक कर रहे हैं उन पर चर्चा हुई, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने अपने अनुभव को साझा किया। एआरपी घनश्याम मौर्य एवं अशोक कुमार मौर्य ने आधारशिला शिक्षक संग्रह ध्यान आकर्षण प्रेरणा सूची प्रेरणा लक्ष्य तथा प्रेरणा तालिका पर विस्तृत चर्चा की। एआरपी संजय कुमार एवं वीरेंद्र सिंह ने शिक्षक डायरी क्यों और कैसे भरें, मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, साथ पुस्तिका का प्रयोग विद्यालय रेडिनेस प्रोग्राम आदि बिंदुओं पर सभी शिक्षकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। कंपोजिट विद्यालय अनुभूला ने अपने समस्त स्टाफ के सहयोग से एक बहुत ही आकर्षण TLM की प्रदर्शनी लगाई, जिसका सभी उपस्थिति लोग द्वारा अवलोकन किया गया और सभी ने इस प्रदर्शनी की प्रशंसा की। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक श्याम सुंदर सिंह ने विद्यालय के बेहतर प्रबंधन आपसी सहयोग समय प्रबंधन आदि बिंदुओं पर अपने विचार रखे। कंपोजिट विद्यालय अनुभूला के शिक्षक अजय विश्वकर्मा ने विज्ञान के प्रयोगों से संबंधित शिक्षक छात्रों द्वारा TLM का प्रदर्शन बच्चों ने से कराया। कंपोजिट विद्यालय की शिक्षिका मधु सिंह सबा ने अनिशा आदि ने TLM का प्रदर्शन कर दिखाया कि किस प्रकार हम TLM का उपयोग करके आसानी से किसी विषय वस्तु को बच्चों को समझा सकते हैं। गंगेश्वर प्रसाद ने बाला रीडिंग कॉर्नर पाठ योजना आदि पर चर्चा की। उच्च प्राथमिक विद्यालय गोधनिया के प्रधानाध्यापक ने बच्चों के चेहरा तथा उन्हें पुनः विद्यालय के वातावरण में ढालने जैसे बिंदुओं पर चर्चा की, जो कि व्यवहारिक रूप से अत्यंत आवश्यक है। वहीं गंडी ब्लॉक के नवचारी शिक्षक सुनील कुमार कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया और इंस्पायर अवार्ड की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए।